इस कोरोना काल में भी मानवता की मिसाल देखने को मिलती है। यह श्लोक झूठा नहीं है, मानवता परमो धर्मः। नागपुर में एक कोरोना अस्पताल में 85 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति ने जब यह देखा कि एक औरत अपने पति के इलाज के लिए बेड ढूंढ रही है और उस अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं होने के कारण वह पत्नी बहुत बेचैन हो रही थी। यह देखकर वृद्ध व्यक्ति ने, जिनका नाम श्री नारायण जी है, उन्होंने ये कहकर अपना बेड छोड़ा, मैं जीवन देख चुका हूँ, इसलिए अगर उस स्त्री का पति मर गया तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति के प्राण बचाऊं। इतना कहते हुए उन्होंने अपना बेड उस मरीज को दे दिया और अगले 3 दिन में श्री नारायण जी इस दुनिया को छोड़ चले गए। ऐसे महापुरुष को हृदय से नमन। इन्होंने जाते जाते ये संदेश दे गए कि फ्रेंड्स, इस मुश्किल वक्त में भी इंसानियत और अच्छाई जिंदा है, इसलिए हमें अच्छाई के साथ जीवन जीना चाहिए और लोगों में अच्छाई बांटनी चाहिए। अच्छा सोचिए, ये सोचिए कि यह वक्त जल्दी गुजर जाएगा। खुशी से रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।